गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं जुनैद देशमुख और आप देख रहे हैं जेडी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, इस वक्त हम आए हुए हैं कुंभार आली के अंदर। यहां पे मेरे फ्रेंड का घर है, तो आइए उसके घर में जाकर हम उससे बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे मित्र उमेश मिंडे साहब। ये ग्राफिक डिजाइनर है, हमारे बहुत खास दोस्त है और इनका महाड़ में काफ़ी अच्छा बिजनेस है। प्रिंटिंग के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनका अपना खुद का एक ऑफिस है जिसका नाम है माई डिजिटल आर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे घर पे स्वागत है। तो आइए हम ऊपर चल के दिवाली के बारे में कुछ बातें करते हैं। इस दिवाली के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस ब्लॉग में हम दिवाली क्यों मनाते हैं और किस तरीके से मनाते हैं इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे। इसके पीछे जो आपको गार्डन दिख रहा है, ये शिवाजी चौक का गार्डन है। और आप यहाँ पे मेरे पीछे देखिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पटाखे खरीदे करने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्पेशली दिवाली के लिए जो है शॉप्स लगते हैं और यहाँ पे पटाखे बेचे जाते हैं। जैसे आपने अभी देखे कि यहाँ पे काफ़ी सारी रश है और लोग आज पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं इसके लिए बहुत सारी धारणाएं हैं, मान्यता है। तो सबसे बड़ी मान्यता यह है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने लंकाधीश रावण का वध करने के बाद, जब प्रभु श्री रामचंद्र माता सीता माता के साथ, अन्य साथियों के साथ, लक्ष्मण जी के साथ फिर अयोध्या लौटे 14 साल के बाद, तो लोगों ने बहुत सारी खुशियां मनाई, दिए जलाए, आकाश दीप लगाए, मिठाइयां बांटी। तो उनकी याद में, उनके विजय की याद में ये पर्व मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है। एक तरीके से ये बुराई पे अच्छाई की जीत का एक त्योहार है। बुराई का जो प्रतीक है अंधार, दुख, दर्द, और उसके ऊपर विजय का प्रतीक, अच्छाई का प्रतीक यानी कि प्रकाश है। तो प्रकाश सुख समृद्धि लाता है लोगों के जीवन में, तो इसलिए भी ये त्योहार मनाया जाता है। दिवाली में ये जो दिन रहते हैं 4-5 दिन, उसमें अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वैसे तो दिवाली वसु बारस के दिन शुरू हो जाती है। वसु बारस के दिन गो माता और उसके बछड़े के साथ पूजन किया जाता है। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में गो माता की खूब विशेषताएं हैं और उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गो माता का पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस वक्त खड़े हैं सरेकलाली के पास। यहाँ पे मेरे साथ सुरेश पवार साहब। यहाँ पे इनके छोटे छोटे बच्चों ने एक फोर्ट बनाया है, जो डिट्टो कॉपी बनाया है। अभी हम आपको उस फोर्ट के बारे में साथ के जरिए आपको जानकारी भी देंगे और आपको वो फोर्ट कैसे बनाया है वो भी दिखाएंगे। ये जो किला है, ये दुर्ग पहाड़ी किला है। ये किला अहमदनगर नगर के निजाम शाह ने बनाया है। ये जो किला है वो पूरा पत्थर में बना हुआ है और इसके ऊपर जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो पूरा सीधा चढ़ाई। पूरा कम से कम 100-200 पायरी है, वो ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। और ये जो नासिक किला है, नासिक किला में ये किला है और इसको शाहजी राजा ने 1600 में उसको अपने काबू में लिया।
उसके पहले वो अहमदनगर के निजाम साहब का उनके पास था, और इसके ऊपर जो है वो जो एक मंदिर है शिव जी का मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है, और पानी का बहुत जो साठ जो रहते हैं जो किले के ऊपर जो पानी रहते हैं वो हमेशा टंकी वो हमेशा के लिए भरी हुई रहती है। इसका जो इसके ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी हम जो छोड़े हैं उसको हम कायला भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक रहता है कैंडल रहता है, उसको जब लगाते हैं तो वो धीरे धीरे जाता है, तो उसमें वो धीरे धीरे ऊपर खींचता है, उस हिसाब से वो ऊपर जाता है, जितना देर कैंडल जलता रहेगा ऊपर जाता रहेगा, और ऊपर जाके पड़ता नहीं है, जब आग बुझ जाएगा वो ऐसे नीचे गिर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस आप सबों को हमारे जेटी एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स की तरफ से हैप्पी दिवाली। अगला दिन आता है धनत्रयोदशी का। तो धनत्रयोदशी मतलब आदमी मनुष्य अपने जीवन व्यतीत करने के लिए जो धन कमाता है, कोई कारोबार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई छोटा बड़ा व्यवहार करता है, तो धन जो घर में आता है और उसी धन के माध्यम से हम अपने चरितार्थ चलाते हैं, तो उस धन की पूजा धनत्रयोदशी के दिन की जाती है, और उस धन के प्रति अपना भाव व्यक्त होता है, कृतज्ञता व्यक्त होती है। उसके बाद आता है नरक चतुर्थी। तो दिवाली के जो दिन है उनमें सबसे बड़े जो दिन है वो नरक चतुर्थी है, उसके बाद पाड़वा है और भाई दूज है। तो ये नरक चतुर्थी का अनन्य साधारण महत्व हमारे पुराणों में व्यक्त किया है। नरक चतुर्थी के दिन ऐसी सोच है, ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम करके रखा था, अनेक लोगों को बंदी बनाया था, औरतों को बंदी बनाया था, बच्चों को तब बहुत तकलीफ थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन नरक चतुर्थी के दिन उस नरकासुर का वध किया, और उसे लिए लोगों ने आनंदोत्सव व्यक्त किया, दिए जलाए, और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत फिर से एक बार व्यक्त हुई। इसलिए वो दिन मनाने के लिए ये नरक चतुर्थी का दिन संपन्न होता है। गाइस इस वक्त हम खड़े हैं चौधर तला पर, और मैं अभी आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे रंगोली निकाली हुई है और उसके अंदर दिए लगाए गए है, बहुत ही अद्भुत बहुत ही खूबसूरत नजारा है, आप देखिए। उस दिन सब लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं और अभ्यंग स्नान करते हैं। उस दिन स्नान करते वक्त एक तरबूज की तरह एक फल होता है, उसके चिराटू कहते हैं। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध अपने बाएं पैर के अंगूठे से किया था उसको दबाकर, तो उसी का प्रतीक इसके लिए सब लोग एक तरबूज के अंदर एक छोटा सा फल रहता है चिराटू, उसको अपने बाएं पैर के उंगली से अंगूठे से दबाकर उसका वध करते हैं, मतलब वो चिराटू उसको दबा कुचलते हैं, और ये दिन मनाते हैं। अगला दिन है पाड़वा बलि प्रतिपदा। पाड़वा मतलब उस दिन कुछ नए की शुरुआत करते हैं। तो हिंदू धर्म में 3.5 मुहूर्त जो बताए हैं उसमें पाड़वा का बहुत बड़ा महत्व है। कुछ भी अच्छी चीज की शुरुआत करनी हो तो पाड़वे के दिन से हो जाती है, उसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। भगवान
विष्णु ने वामन का रूप लेके, वामन अवतार लेके जो बलि को पाताल का राज्य दिया था, उसी की याद में ये दिन मना जाता है, उसको बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहता है, उसको कहते हैं लक्ष्मी पूजन। तो उस दिन क्या रहता है कि जो हमारे धन धान्य समृद्धि है, मतलब धन की जो देवता है, संपत्ति की जो देवता है, वो माता लक्ष्मी है। और उस दिन माता लक्ष्मी ने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। और हर कोई, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, अपने अपने घर में वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है और सुख समृद्धि संपन्नता की आशा व्यक्त करता है। और उस दिन जितने भी कारोबारी रहते हैं, उद्योग है, उद्योग करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, वो अपने अपने दुकानों में वो लक्ष्मी पूजन करते हैं और चौपड़ा पूजन करते हैं, खाता बही का पूजन करते हैं। ऐसे मानते हैं कि उस दिन से वो सब व्यापारी लोग हैं, वो अपना पुराना जो कुछ भी हिसाब है वो बंद करके उसी दिन से अपना अगले दिन से पाड़वा जो रहता है उसके उस दिन से अपना नया व्यवहार शुरू करते हैं। गाइस, इस वक्त हम खड़े हैं मोहन जनरल स्टोर के बाहर। आप यहां देख सकते हैं यहां भी काफ़ी भीड़ है, लोग पटाखे खरीद रहे हैं और यहां पे रंगोली का भी काफ़ी सामान है। आइए हम आपको दिखाते हैं। गाइस, मैं आपको बताता हूं, यहां पे बेचने के लिए ये स्टेचूज, मावलेज के स्टेचूज रखे गए हैं। हाँ, तो लोग इन्हें खरीदते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू है, आप देख सकते हैं। ये जो किले बनाए जाते हैं दिवाली के अंदर, मैं अभी वीडियो में आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पे ये सैनिक जो होते थे राजाओं के, महाराजाओं के, ये सैनिकों को वहाँ पे रखा जाता है और उस तरीके से ये सब बनाया जाता है। तो ये मेरे साथ में एक दोस्त है, ये यहाँ पर ये सब खरीद रहे। तो आपने गढ़ बनाया है? हाँ, गढ़ बनाया है हमने। अच्छा, इसलिए हम सब शिवाजी महाराज के उसके पुतले सब लेके जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से? रायगढ़ से आए, मतलब जहाँ पे फोर्ट है वहीं से ये लोग यहाँ पे खरीदी करने के लिए आए हैं। तो दोस्त, आपका नाम क्या है? परेश वाडकर। अच्छा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। भाई दूज का अनन्य साधारण महत्व है, बताया है। भाई बहन के प्यार का वो दिन रहता है। उस दिन भाई अगर अपने बहन की शादी हुई हो तो उसके घर जाता है, और अगर बहन घर पे ही हो तो घर पे ही वो अपने बहन से औक्षण करके लेता है। बहन जो है उस दिन भाई की अपने पूजा करती है, औक्षण करती है, और भाई उसको उसके बदले में उसको बहुत सारी भेंट वस्तुएं, गिफ्ट और ऐसी चीज़ें देता है। इसकी और एक वजह है कि देखिए, हमारे शास्त्रों में और हमारे संस्कृति में एक ऐसी रचना की गई है कि पहले के ज़माने में यातायात के साधने कम थे, आने जाने का माहौल नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी। तो अगर लड़की शादी करके अन्य गांव कहाँ पे जाती थी तो उसका संपर्क ज़्यादा नहीं रहता था। तो इस त्यौहार की वजह से जो भाई है, अगर अपनी बहन की शादी किसी अन्य गांव में हुई है तो उसका साल भर में संपर्क नहीं हुआ है, तो इस दिन की वजह से, इस दिन के निमित्त में वो अपने बहन से मिलता है, जाता है, उसका हलचल पूछता है, क्षेम कुशल पूछता है, अगर कोई उसको अगर कोई परेशानी है तो उसका हल करता है। ऐसी एक रचना इस त्यौहार के पीछे है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस तरह से ये दिवाली है, वो खुशियों का त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है। अमीर गरीब, उद्योग पति हो या फिर छोटा मोटा व्यवहार चलाने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, ये सब अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी यथाशक्ति से इस त्यौहार को मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। ये त्यौहार आनंद का त्यौहार है और दुख दर्द मिटाने वाला त्यौहार है, और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत वाला त्यौहार है। इसीलिए बुराई का प्रतीक जो है, वो जो है अंधेरा, उसको हटाने के लिए घर घर में दिए जलते हैं, आकाश दीप लगते हैं।
दोस्तों, इस ब्लॉग के जरिए जुनैद भाई ये महाड़ की बहुत सारी विशेषताएं आपके सामने लेके आते हैं, अलग अलग चीजें आपके सामने रखते हैं और महाड़ की बहुत सारी, मैं बोलता हूँ कि महाड़ है पूरी दुनिया में ऐसा गांव है जिसको अपने अलग पहचान है और इसलिए हम महाड़ से बहुत प्यार करते हैं। महाड़ में जितने भी त्यौहार होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती है वो अपने अपने तरीके से मनाई जाती है। तो महाड़ में एक ऐसा मान्यता है और ऐसा परंपरा रही है अलग दिवाली के दिन, जो कहीं अन्य क्षेत्रों में और अन्य जगह पर आपको पाई नहीं जाएगी। तो ये चीज ऐसे है कि दिवाली के दिन, मतलब नरक चतुर्थी के दिन, महाड़ के पूरे सभी एरिया के लोग, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तरुण है, मतलब जवान है, लड़के लड़कियां हैं, औरतें हैं, श्रृंगार करके सब बढ़िया से कपड़े पहन के, महाड़ में एक जगह है जिसका एक छोर है महाड़ का, जिसे विसावा कॉर्नर कहते हैं। वहाँ पे एक विसावा होटल करके बहुत बड़ा होटल भी है, लेकिन उसको विसावा कॉर्नर कहते हैं। तो एक महाड़ का वो छोर है और जो सीमा रहते हैं उसका, वो महाड़ की सीमा का वो एक ठिकाना है। तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से और बहुत सारी भीड़ में एकत्रित होते हैं और वहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस तरीके से आनंद मनाते हैं। लेकिन ये जो परंपरा है वो अन्य कहाँ पे देखने को नहीं मिलती कि दिवाली के दिन सब पूरा गांव का गांव एक जगह पे एकत्रित होता है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही आनंद दे और बहुत ही अलग और बहुत ही बढ़िया एक परंपरा है जो कई सालों से महाड़ में चली आ रही है। उसकी वजह एक ये भी है कि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो दिवाली के दिन सीमोल्लंघन करते हैं लोग, मतलब जैसे विजयादशमी रहती है तो वह सीमोल्लंघन करते हैं, तो कुछ अच्छे दिन रहते, शुभ दिन रहते, तो लोग गांव के एक छोर पे जाते, अपने गांव की सीमा देखते उसी वजह से, तो उसके पीछे ये भी मान्यता है। लेकिन ये महाड़ में जो परंपरा सालों से चलती आ रही है वो बहुत ही कौतुकास्पद, अब महाड़ के लोगों के लिए अभिमानास्पद ऐसी कल्पना है। मित्रों, अपने इस ब्लॉग में जुनैद भाई ने आपको दिखाया होगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे किला बनाते हैं, तो ये किला बनाने की वजह क्या है और क्यों बनाते हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। दिवाली के दिनों में किला बनाने के लिए ऐसा कुछ खास वजह नहीं है। पहले दिनों में क्या होता था कि दिवाली में छुट्टियां बहुत चलती थी, बड़ी चलती थी, और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं देता तो उसमें बच्चों को ज्यादा वक्त रहता था, तो चलो किसी ने शुरुआत की तो कुछ क्या बनाएंगे, तो चलो दिवाली के दिन में किला बनाते हैं। तो किला बनाने का एक ने शुरुआत की, फिर दूसरे ने बनाया, फिर तीसरे ने ऐसे, तो वो एक ट्रेडिशन बन गई, प्रथा बन गई। और एक चीज है इसमें कि ये आनंदों का उत्सव है, त्योहार है, प्रजा सब जो है वो खुशियां बांटती है, तो ये इन दिनों में अपना जो राजा है उसको याद किया जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की याद में उनकी उनका जो पराक्रम है उसको याद करने के लिए एक किला बनाते हैं लोग। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूँगा कि कुछ साल पहले जब हम बच्चे थे तो आपने देखा हो कि कितने बढ़िया बढ़िया किले बनाए बच्चों ने, तो हम जब बनाते थे छोटे थे इतने अच्छे किले नहीं बना पाते थे, क्योंकि हाँ मतलब ऐसे कुछ दगड़ लाए, मिट्टी लाई और ऐसा ढेर बनाया, उसमें सीढ़ियाँ बनाई, सैनिक लगाए और हो गया किला, उसका पर्टिकुलर कुछ आकार नहीं रहता था। लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो उसके ऊपर ढेर सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, अवेलेबल है उसके ऊपर। तो आजकल के जो बच्चे किला बनाते हैं तो पूरा मेजरमेंट के साथ बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर रहता है, तो आप देखेंगे तो बहुत सी खूबियाँ और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें वो किलों के ऊपर दिखाते हैं और वो पूरा उसका प्रोपोर्शन रहता है, प्रोपोर्शन के साथ रहता है, किला देखने लायक होता है कि एक्चुअल किले की वो प्रतिकृति रहते हैं। तो बच्चे ये सोशल मीडिया का और तंत्र ज्ञान जो है उसका इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उसका एक उदाहरण है कि किला बहुत ही बढ़िया बना है।